विद इनोवेटिव में आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिक स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड। देखिए कैसे फाइंड करते हैं। जैसे अगर कोई नंबर है लाइक 2, ये 2 अंडर रूट में ही है और लगातार अंडर रूट में ऐसे बना हुआ है, ऐसे ये इनफाइनाइट नंबर तक ऐसे ही बना हुआ है, अंडर रूट में ही इनफाइनाइट टाइम तक अंडर रूट है, तो ऐसी कंडीशन में इसका आंसर हमेशा होगा 2। अब देखें कि अगर ये इसे कैसे ये 2 होगा, ये समझते हैं। हमने मान लिया कि लेट x इज इक्वल टू दिस नंबर। अब क्या किया हमने, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे, तो क्या होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां 2 पे अंडर रूट हट जाएगा और फिर से यहां पे अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, ये लगातार फिर भी इनफाइनाइट तक रहेगा। यानी इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं x, यानी हो जाएगा ये 2x और यहां पे है ये x स्क्वायर। आप देखिए यहां स्क्वायर कैंसिल होगा, यहां x कैंसिल होगा, यानी x की वैल्यू आ गया 2। इस पूरे की वैल्यू कैसे 2 आया आपने सीख लिया। लेकिन अगर ये इनफाइनाइट तक ना हो करके, इनफाइनाइट तक ना हो, केवल ऐसे दिया गया हो, ये वैल्यू इतनी बार दी गई 1 2 3 4 5 टाइम दिया गया हो, तब ये वैल्यू नहीं आएगी। तब क्या करेंगे हम, इसे लगाएंगे 2 की पावर, फिर 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2 की पावर n, यानी क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर, ये n की वैल्यू है 5, तो 2 की पावर 5 माइनस 1 बाई 2 की पावर 5, और हम जानते हैं 2 की पावर होता है 5 32, यानी 32 माइनस 1 अपॉन 32, यहां 2 की पावर, यानी आ गया 2 की पावर 31 बाई 32, ये इसका आंसर है। अब आपको ये पता चल गया कि अगर ये n टाइम हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन अगर ये इनफाइनाइट टाइम हो तो जो भी वैल्यू है वो वही बना रहता है। कोई नंबर जस्ट लाइक 6 हो जाए, यहाँ पे 6 हो और प्लस में हो, ये अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस, ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक अगर हो, तब हम कैसे इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। ध्यान दें, अगर अंडर रूट 6 है, ऐसे कंटिन्यू लगा हुआ है प्लस करके, तो हम क्या करते हैं, 6 का फैक्टर, 6 का फैक्टर होगा 2 × 3, 2 × 3 = 6, और अगर अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अगर ऐसे हो, तो हम क्या करेंगे, प्लस होने पे जो बड़ी वाली वैल्यू है, मतलब 2 और 3 दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो जो बड़ी वैल्यू है वही इसका आंसर होगा। लेकिन अगर यही प्लस की जगह पे माइनस हो जाए, तो देखें प्लस की जगह पे अगर ये माइनस हो जाए, उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 3 ना हो करके, तब छोटा वाला जो नंबर होगा, यानी 3 की जगह पे 2 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। अब इसे कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आइए वो भी सीख लेते हैं। अब अगर हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, सॉल्व करके देखना है, तो सबसे पहले इस पूरी वैल्यू को हम मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू दिस वैल्यू, और इसके बाद में तुरंत स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या होगा कि ये x स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर ये 6 तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, लेकिन माइनस यहां भी ये सारी वैल्यू फिर से ऐसे ही कंटिन्यू आ जाएंगी। आप देखिए ऐसे ही वैल्यू टिल इनफाइनाइट तक ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखें यही वैल्यू हमने x माना था, तो क्या करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 6 कर लेंगे और इन दोनों वैल्यू को इधर लेके आते हैं, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसका अगर हम फैक्टर कर दें तो फैक्टर होगा 2 × 3, और x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ ब्रेकेट लगाया तो
ये हो गया प्लस में, अब यहाँ x का मान तो x प्लस थ्री और 2 का मान तो यहाँ भी x प्लस थ्री इजिकल टू जीरो। अब x की वैल्यू या तो 2 आएगा या तो माइनस थ्री, लेकिन हम जानते हैं कि अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू है उसका आंसर माइनस थ्री में है, यानी कि वो एक इमेजिनरी नंबर है, इसलिए x की वैल्यू हो जाएगा 2। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।